बोम्बा। देखो मेरे पास कितनी गाड़ियां हैं, मैं और क्या कर सकता हूँ ये दिखाने के लिए। मैं देसी हूँ, नई स्क्रिप्ट नई नई गाड़ी। एल्विश भाई की ये बात बहुत फाड़ लगती है कि स्किट के नाम पे वो देसी और सिटी पीपल में डिफरेंशिएट करने में एक मिनट नहीं लगाता, लेकिन जैसी कोई कंट्रोवर्सी हो जाती है तो सब इक्वल है, सब इक्वल है। साफ तो हो जाएगा ना, अभी साढ़े परमानेंट हो नहीं, ये थोड़ा लेट होगा। फिर मेरे लिए पब्लिक स्टोरी डालेगी ब्लैक लाइव्स मैटर। ये हमारे ब्लैक निगा। एक बात तो है, एलिश भाई किसी को ट्रोल या बुली करने से पहले एक बार नहीं सोचते। कई भाई ऑफेंड हो गए तो मैं पता क्या करना है, मैंने आईडी मेंशन कर रहा हूँ उसकी ना, मां चोद दो, बात खत्म। उसकी मां चोद दो, गाली बको, बैन के लोड़े की गाल फाड़ दो, ऐसा कर दो, अकाउंट उड़ा दो उसका। एक काम करो, यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, उड़ा दो। अब ऑनलाइन स्पेस में ना व्यूअर्स की आंखों से ज्यादा दिखाई देता नहीं है, लेकिन खुद एक बुली होने के नाते मुझे पता है कि ये बुली होने के साथ साथ बुली होता भी है। मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि मेरे कंटेंट की वजह से, मेरे रोस्ट वीडियो की वजह से किसी की भी आंखों में आंसू आए, चाहे वो हो चाहे कोई भी हो। मैं सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाता हूँ। और क्या ये वही अल्विश यादव है? प्लीज मैं अपनी पब्लिक से अपील करना चाहूंगा यार, तुम लोग इतने अच्छे हो, कसम से बता रहा हूँ तुम बहुत अच्छे हो। प्लीज किसी को गाली मत दो, किसी के कमेंट सेक्शन में, किसी के मैसेज में प्लीज गाली मत दो यार। भाई यहाँ दोबारा मेंशन कर रहा हूँ, दोबारा मत छोड़ दो, एक बार गाली बकली चार बार और गाली बको जाओ, यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। अल्विश भाई आप तो बुली निकले।